Hello students, my name is Aditya Jhawar and welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की CA foundation की exams कोरोना वायरस की वजह से postponed हो चुकी है. So, हम लोगों को ये जो हमें lockdown का जो छुट्टियां मिली हमें holidays मिली है, so हम इन छुट्टियों को waste बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हमें इसका maximum utilization करना चाहिए ताकि हम लोग CA foundation की exam first attempt में clear कर सकें. और इसी चीज़ के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ ताकि आप लोग first attempt में ये जो CA foundation exam है clear करें. देखिए, हम मैंने CA foundation 60 days pledge करके एक follow schedule बनाया है जिसको आप अगर follow करेंगे तो ये 101% sure है कि आप exam में definitely pass हो जाएंगे. Even आपके 300 भी cross हो जाएंगे अगर आपने ये exam के अगर ये मेरा schedule follow कर लिया तो guarantee है. करना क्या है, मैंने पूरा का पूरा जो schedule है आपका उसको 3 parts में divide करा है. Round 1 मतलब revision 1, revision 2 and revision 3. ये 60 days plays है. हालांकि एग्जाम तक में तो हमारे पास और भी 17-18 दिन और बच जाएंगे स्टिल, क्योंकि मैंने ये जो टाइम टेबल है 10th of April 2020 से 10th of June 2020 तक के हिसाब से बनाया हुआ है. मैंने ये जो टाइम टेबल है आपका 60 डेज प्लेज का, ये 10th अप्रैल 2020 से लेके 10th जून 2020 तक के हिसाब से बनाया है. स्टिल आपके पास 17-18 दिन बचेंगे कि आप और भी उसके अंदर मेहनत कर सकते हैं. एंड मैं जरूर उस समय जैसे ये 60 डेज खत्म हो जाएंगे मैं जरूर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा कि उन 17 दिनों को आपको अब कैसे यूटिलाइज करना है. सो अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो सबसे पहला पेपर है हमारा अकाउंट्स का. फर्स्ट नंबर पेपर है हमारा अकाउंट्स का. अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्टिव पेपर है. सो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें मार्क्स सिक्योर करने हैं. इस सब्जेक्ट में आप आराम से 60, 65, 70 क्रॉस कर सकते हैं, श्योर है. बस प्रॉपर आपको मेहनत करनी है. अकाउंट्स के अंदर करना क्या है, जो राउंड वन के अंदर आपको 7 डेज मेहनत करनी है. अकाउंट्स के अंदर 2 पार्ट्स है. सो आपको 7 डेज अकाउंट्स के अंदर मेहनत करनी है. जो जो इजी चैप्टर्स आपको लगते हैं पहले वो खत्म कर दो शुरुआती 2-3 दिनों में, उसके बाद टफ के ऊपर जाना. सो 7 दिनों राउंड वन के अंदर 7 डेज ओनली अकाउंट्स पकड़ के रखो. केवल अकाउंट्स करेंगे हम लोग, इससे क्या होगा अकाउंट्स के अंदर हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा अगला जो है ये दोनों मिला के लॉ एंड इंग्लिश जो सेकंड पेपर है हमारा, अगेन ये भी सब्जेक्टिव पेपर है. आप सभी को थ्योरी पेपर में जनरली दिक्कत होती है, काफी बच्चों को सीए जो भी बच्चे करते हैं उनको हमेशा लॉ के पेपर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि लर्न करना पड़ता है और लर्न काफी बच्चों से होता नहीं है. सो लॉ के पेपर में आपको करना क्या है, 5 डेज मैंने अलोकेट किए एंड 5 ही चैप्टर्स है. मुझे बिल्कुल पता है कि 5 चैप्टर्स 5 दिनों में नहीं हो सकते, बट हमने एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा अभी तक. ऐसा तो नहीं कि हम पूरे के पूरे ब्लैंक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा. सो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंपनीज एक्ट और LLP से शुरुआत करनी है. तो हो सकता है वो जो दोनों चैप्टर से आपके 1 या 2 दिन में हो सकते हैं, 1 या 2 दिन में आराम से हो जाएंगे इवन. सो वो कर लिया, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो फोकस करना है. तो यहां पर 5 दिनों के अंदर अपन को कर लिया. ऐसा नहीं है कि 5 दिनों के अंदर पूरा हमारा हो ही जाएगा, नहीं होगा ऐसा. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है क्योंकि हमने आगे और टाइम दिया है, तो हम डेफिनेटली उसको कर ही लेंगे तब भी. इसके साथ साथ ये पूरे 35 दिनों के अंदर आप 1-1 घंटा रोज लॉ भी पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका तो हो ही जाएगा लॉ आराम से. लॉ के अंदर बिल्कुल टेंशन मत लेना, 60 मार्क का पेपर है, 40 मार्क का आपका इंग्लिश आने वाला है. अब मैथ्स जो है, मैथ्स के अंदर क्या है, देखिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर है तो डेफिनेटली आपके लिए ये पार्ट बहुत ही टिपिकल बढ़ने वाला है, बहुत ही मुश्किल है ये वाला पार्ट. साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए बहुत ही आसान जो पार्ट है. अब मैथ्स में मैंने 5 डेज दिए. नाउ इनमें करना क्या है, आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स उठाने हैं. इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. इससे क्या होगा, आप लोगों को ये लगना शुरू हो जाएगा अरे मुझे तो आता है, मुझे तो मैथ्स आता है. तो आप लोग सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एपी जीपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो वाले आपको चैप्टर्स पहले करने हैं. तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. सो 5 डेज हम लोग ये करेंगे. LR आप सभी का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी है LR. तो 2 डेज के अंदर हमको पूरा LR खत्म करना है, इस आराम से हो भी जाएगा.
उसके बाद आता है स्टेटिस्टिक्स ना. स्टेटिस्टिक्स के अंदर क्या है, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का, बस इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आपको दिया हुआ है. इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ को आपको एक तरह से रिवाइज करना है. तो 5 days मैंने वापस दिए स्टेट्स के लिए. सो 40 marks इसके है, 20 marks इसके है, 40 marks अगेन इसके है. सो हमको फोकस क्या करना है, जिनका मैथ्स अगर वीक है थोड़ा सा, तो LRO स्टेट्स पे अच्छी पकड़ बना के रखनी है. LRO स्टेट्स अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली तो भी आपके मार्क्स आराम से 60 क्रॉस हो ही जाएंगे. क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप 40 में से 0 ही लेके आएंगे. डेफिनेटली आप 10-12 मार्क तो कंफर्म, 10-15 मार्क तो लेके ही आने वाले हो. उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत टफ की कैटेगरी में जा सकता है, हालांकि है नहीं बट फिर भी. तो मैंने 5 days इकोनॉमिक्स को दिए राउंड वन के अंदर, कि आपको 5 दिन पूरा इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है. मतलब सुबह से शाम इंसान बैठा इकोनॉमिक्स खोलो, सुबह हुआ इकोनॉमिक्स, शाम हुआ इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे दिन इकोनॉमिक्स. हाँ, अगर आप बोर हो जाते हो अगर इस दौरान, तो आप अकाउंट्स के ऊपर जा सकते हो. अकाउंट्स के 2-4 प्रैक्टिकल सम कर लिए तो उससे क्या होगा, आपकी बोरियत कम हो जाएगी थोड़ी सी. इसके बाद आता है जो हमारा, ये था 3rd number पेपर और ये हो गया हमारा 4th number पेपर. सो इकोनॉमिक्स एंड बीसी के नाउ सबसे मेन पार्ट ये हो गया एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया है. एमसीक्यू इजी पेपर है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है, आसान है. उसके बाद आता है इको बीसी के. देखिए बीसी के सबसे इजी पार्ट है. तो 4 दिन के अंदर आराम से बीसी के आप लोग कम खत्म कर सकते हो, इतनी पतली सी बुक है बीसी के की, तो ये आराम से हो जाएगा. अब आपके अगर किसी के मन में सवाल है कि सर इंग्लिश के अंदर 2 दिन में कैसे होगा, देखिए इंग्लिश के अंदर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसका रीजन है, पेपर में आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसर मिनट्स, मतलब राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट ज्यादा आएगा. ग्रामेटिकल अगर ग्रामर हमसे नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आप बुक में से कितने भी ग्रामर पढ़ लोगे उसके बावजूद भी वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ नया ही आने वाला है. सो हमको केवल बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करके जाना है. सो आराम से 2 days में हो जाएगा. इसके बाद हम आते हैं राउंड 2. अगर आपका राउंड वन खत्म हो गया, देखिए ऐसा है 35 days की जगह आप 36 days भी लेंगे तो चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं लेना है. मुझे प्रॉमिस करो कि आप जो मैं बता रहा हूं ना राउंड वन, उतने में जरूर इसको पूरा करूंगा. इसके बाद हम जाएंगे राउंड 2 के ऊपर. राउंड 2 में आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया था राउंड 1 के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना है. सो जैसे आपने क्या किया, 4 days इसके अंदर दिए, 3 days इसके अंदर दिए, और वही सेम चीज है अकाउंट्स के अंदर 4 days, 3 days, 1 day, ऐसे करके आपको 20 days तक अगले जो नेक्स्ट 20 days है उसके लिए फॉलो करना है शेड्यूल. आफ्टर 35 days जब आपके खत्म हो जाए, जब आपको अगले 20 दिनों तक ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है, सेम टू सेम. 4 दिन इसको दिया, 3 दिन इसको दिया, 1 दिन इसको दिया, ऐसे करके आप फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स हासिल होंगे ही. अब आते हैं हम राउंड 3 के ऊपर. सो राउंड 3 के अंदर हमको क्या करना है, राउंड 3 के अंदर अकाउंट्स 1 day ही दिया मैंने. राउंड 3 के अंदर मैंने अकाउंट्स को ओनली 1 day दिया. इसका रीजन है क्योंकि अकाउंट्स हमारा फर्स्ट पेपर है. सो जब आप अकाउंट्स का पेपर होगा ना, उससे 2-4 दिन पहले डेफिनेटली आप करने ही वाले हो उसको वापस. तो यहां पर अभी ज्यादा टाइम देके मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं, इधर भी हमने अकाउंट्स किया है और आज तक स्टिल अभी तक भी हमने अकाउंट्स किया था उसका. देखिए आप तो मान के चल रहे थे कि आपका एग्जाम मई में आने वाला है, लेकिन बट आपके लिए एक बेनिफिट हो गया कि आपका एग्जाम जून में पोस्टपोन हो चुका है. तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, प्लीज इसको लूज मत कीजिए. इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, और मैक्सिमम बेनिफिट ऐसे उठा सकते हो जैसा मैं बता रहा हूं. बस ये फॉलो करते जाओ, गारंटीड सक्सेस है, गारंटी. 1 day अगेन लॉ और इंग्लिश. अगेन इंग्लिश वाला पार्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये 1 दिन में भी आपको केवल लॉ ही ज्यादा पढ़ना है. उसके बाद आता है इनको तीनों को मिला के मैंने ना, इसमें भी क्या करना है, मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स पढ़नी है. एलआर नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, एलआर आप वैसे भी कर सकते हो. तो 2 days में मैं आपको ये मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट पूरा खत्म करना है. उसके बाद आपका बचता है इको एंड बीसीके वाला पार्ट ना. इको एंड बीसीके में आपको क्या करना है, इको एंड बीसीके के अंदर सबसे पहले बीसीके खत्म करना. शुरुआती जो दिन आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो शुरुआत में आपको सबसे पहले बीसीके खत्म करना है. उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एटलीस्ट मुझे बीसीके तो आ ही गया. और उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करना है. जब ये पूरा हो जाए 60 days, उसके बाद भी हमारे पास दिन बचेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्लियर तो होने ही वाले हो, श्योर है. अब एक्स्ट्रा क्या करना है, इन 60 दिनों के अंदर आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है. सो आपको ये चीज एक्स्ट्रा करनी है, 3-4 मॉक टेस्ट आपको अपियर करने हैं ईच पेपर, हर पेपर. ये चारों पेपर के अंदर कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं.
आपका फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट्स खत्म हो गया, हाँ, तो आप क्या करना, उसका मॉक टेस्ट दे देना। अब आप पूछोगे सर मॉक टेस्ट के पेपर कहाँ से लाएंगे, सर मॉक टेस्ट के पेपर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाइए ओपन कीजिए, आप इंस्टीट्यूट की साइट तो साइट के ऊपर मॉक टेस्ट तो मिलेगा, इसके साथ आरडीपी भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिलेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन, तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। सो वहां पे सबसे पहले मॉक टेस्ट सीरीज आप दो, आपको जब भी कॉन्फिडेंस, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है, देखो मैंने इधर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कितना भी अच्छे से कर लो बट अगर ये नहीं करा ना तो एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम होने ही वाली है। देखो सीधी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है ना, विराट कोहली अगर डायरेक्टली मैदान के ऊपर जाके, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की मैच चल रही है, डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के सामने वो खेलने गया, बोला अरे अपने को क्या, अपने को तो प्रैक्टिस वैक्टिस अपन कुछ करते ही नहीं, अपन तो डायरेक्टली उधर जाके खेलेंगे पिच के ऊपर, खेला सीधा का बोल्ड, क्योंकि पता ही नहीं, उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया था। तो कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ द क्रिकेट, वो भी इतने महान प्लेयर उसके बावजूद भी वो नेट प्रैक्टिस जरूर करते थे। ये मॉक टेस्ट आपकी नेट प्रैक्टिस है। देखो यहां पर गलती होगी ना तो चल जाएगा, एग्जाम में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने जो पेपर में लिख दिया वो लॉक हो चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो लोग मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, तो उसका उससे होता क्या है, जो पहला बॉल आया था वो सीधा एग्जाम में आया, और आप आपको पता ही नहीं कि इस बॉल को डक करना था, मुझे इस बॉल पे हिट करना था, क्या करना था पता ही नहीं। तो मॉक टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, ये पता चलेगा हमको कि हम कहां तक है, हम पानी में है, किधर है, पानी के ऊपर है, कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके ऊपर जरूर फोकस करना। देखिए अगर मॉक टेस्ट सीरीज अगर आपको और पेपर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है आदित्य झवर एजुकेशन, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और सर्च करेंगे आदित्य झवर एजुकेशन तो आपकी हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। सो वहां से भी आप मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, इवन हमारे कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, हमारा एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली आपसे बात करेगा और आपको मॉक टेस्ट पेपर्स अगर वो मुहैया कराएगा, मतलब आपको अवेलेबल करवाएगा। सो 3 to 4 मॉक टेस्ट देना है साथ साथ में। देखिए ऐसा है सीए फाउंडेशन है, इतना टफ नहीं है, आराम से निकल जाओगे, चिल करके करना है। बट एक ही चीज है, ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है ना इसको मिस मत करना। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, काफी बच्चे वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ये सब में अपना टाइम निकाल रहे हैं। उससे होगा क्या, एंड में आपके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, अब प्रेशर होगा, इंसान प्रेशर के अंदर गलती करेगा ही, हम सब धोनी जैसे नहीं है, कैप्टन कूल जैसे, कि हमारा माइंड एकदम कूल है, प्रेशर हो रहा है मतलब 6 बॉल में 15 रन चाहिए, अब आराम से कूल है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम लोग प्रेशर में आ जाएंगे, उस वजह हमारे वक्त उस समय क्या होगी, हमसे गलती हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना करो, ये जो मॉक जो मैंने 60 डेज प्लेस दिया है, प्रॉमिस करो आप सबके सब जन कि आप ये जरूर फॉलो करेंगे, प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस करेगा, जो भी ये फॉलो करेगा, श्योर शॉर्ट सक्सेस है 110%। एक चीज जो मैं एक तरह से आपको बोल सकता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ, देखिए सर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एग्जाम और पोस्टपोन हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। आप मान के चलो पेपर टफ आ सकता है, आप मान के चलो पेपर टफ आ सकता है, इसका रीजन है आईसीआई ने आपको और टाइम दिया है, तो भैया आईसीआई ने अगर टाइम दिया है तो उस टाइम का यूटिलाइज करो, प्लीज इस शेड्यूल को फॉलो करो, ये शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेट है आपकी सक्सेस कंफर्म है। देखिए जिस दिन आप पास हो जाओगे ना सीए फाउंडेशन, उस दिन आपके पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू दिखेंगे आपको, खुशी के आंसू, वो बहुत ज्यादा वर्थ है, आपकी 60 दिनों की मेहनत है, वो आंसू अगर आपको उनके चेहरों पर जो खुशी है वो झलक है कि भाई मेरा बेटा एक सीए के एक कदम आगे बढ़ चुका है, ये एक तरह से पायदान है, सीए की फील्ड में एंट्रेंस है। अगर आप 60, मैं तो कहता हूं अभी भी किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है और अभी मेरा वीडियो देख रहा है, ये फॉलो कर भैया तू डेफिनेटली पास हो जाएगा, श्योर है मैं जो बोल रहा हूं, श्योर गांठ बांध लो, अगर अभी भी तुम ये फॉलो करते हो तुम पास हो। सीए फाउंडेशन इजी ही है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, चलो आज से शुरू करते हैं हम, तो आज से भी अगर आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग पास होने ही वाले हो, ठीक है। जो लोग आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे भी मैं इसके ऊपर आगे, आपको किन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको क्या मतलब अकाउंट्स कैसे बढ़ना है, लॉ कैसे बढ़ना है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, आप सभी के लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। और इसके अलावा
इन दिनों आपको अकाउंट्स में, मतलब अकाउंट्स के अंदर कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, लॉ के अंदर क्या पहले करना है, वेटेज क्या है उसके, अभी 2-4 दिन में मेरा एक और वीडियो आने वाला है, तो आप जरूर मिस मत करना वो वीडियो। इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से इसके ऊपर रेगुलरली अपडेट्स आने वाले हैं, सारे CA, CS और CM में रिलेटेड सारे अपडेट्स इस जो चैनल के ऊपर आने वाले हैं। सो प्लीज मेक ए प्रॉमिस कि आप लोग जो मैंने शेड्यूल दिया है वो फॉलो करेंगे। प्लेज लीजिए, ये 60 डेज प्लेज प्लीज। ओके, थैंक यू।